हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर करने जा रहे हैं, जो कि उनके जनरल काउंसिल की मीटिंग के बारे में था। इस मीटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन हुई है। जनरल काउंसिल की मीटिंग 7 और 8 तारीख को पटना में हुई थी और इसमें जो जो भी डिस्कशंस हुई हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले इसमें 8 जनवरी को ऑल इंडिया बेसिस पे जो जनरल स्ट्राइक करनी है उसके बारे में प्रिपरेशन की बात हुई है और जो मर्जर्स के अगेंस्ट सभी यूनियंस मूवमेंट कर रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशंस हुई हैं। इस सर्कुलर से पता चलता है कि यूनियंस अब 8 जनवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने जा रही हैं, जो कि मर्जर के ही अगेंस्ट होगी। इस जनरल स्ट्राइक से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर्स के अगेंस्ट कैंपेन चला रही हैं यूनियंस, वो भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। यूनियन चाहती है कि इस स्ट्राइक को पूरा सक्सेसफुल बनाया जाए और इस मूवमेंट को भी स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि मर्जर के बाद जो प्राइवेटाइजेशन का खतरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे मंडरा रहा है उसको खत्म किया जा सके। मर्जर्स को लेके पहले भी काफी ज्यादा अपोज हो चुका है और उसमें जो भी पिछली इनकी मीटिंग हुई थी उसमें जो भी पॉइंट्स रखे गए थे स्ट्राइक के अगेंस्ट, उन सभी को लेकर ही इस बार भी स्ट्राइक की जाएगी। मर्जर के इशू पे इस बार यूनियंस चाहती हैं कि उन्हें एम्प्लॉयज यूनियन के साथ साथ ऑफिसर यूनियन का भी सपोर्ट मिले और सभी को वो मर्जर्स के इफेक्ट के बारे में बताना चाहती हैं। उनका कहना है कि मर्जर्स के बाद गवर्नमेंट है वो बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहती है और इसीलिए वो मर्जर्स का अपोज कर रहे हैं। इस मीटिंग में बाइपार्टाइट टॉक्स के बारे में भी डिस्कशन हुई है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि बेफी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का अपोज कर रही है, लेकिन फिर भी अभी UFPU ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी इन बातों पे चर्चा हो रही है। और जनरल काउंसिल की मीटिंग में रिटायरीज के बारे में भी बात हुई है कि जल्द से जल्द उनके मुद्दे भी सुलझाए जाएं। इसके साथ साथ RRB, कोऑपरेटिव सेक्टर, नबार्ड और इन सभी में भी डेवलपमेंट की बात हुई है। जनरल काउंसिल की इस मीटिंग में अगली चर्चा हुई थी PMC बैंक के घोटाले को लेकर। PMC बैंक के कस्टमर्स जैसे परेशान हैं, तो यूनियन चाहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें अपना कुछ कंसर्न दिखाए, ताकि जनता का पैसा लूटने वाले ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको पहले ही पकड़ा जा सके। तो इस लेटर में सबसे जो मेन बात निकल के आई है वो ये है कि 8 जनवरी को ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक हो सकती है, तो इसी को लेके वो कैंपेन भी कर रहे हैं और इसके बाद 17 फरवरी 2020 को धरना प्रदर्शन किया जाएगा पार्लियामेंट के आगे और इसमें भी वो अपने सभी बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था बेफी के इस सर्कुलर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।